दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों ये है न्यू एज बलेनो 2022 जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये थर्ड जनरेशन है, थर्ड टाइम जो है बलेनो लॉन्च हुई है। आज के टाइम में इंडिया की लगभग जो है 1 मिलियन के आसपास जो है इसने सेल कर दी, और जिस टाइम जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर भी जो है लगभग 1 मिलियन जो है व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। इसके अंदर अगर मैं बताऊँ इंटीरियर से बात करेंगे, पूरा वॉकराउंड मिलेगा, टेस्ट ड्राइव मिलेगी। दोस्तों बलेनो के बारे में जो हर डिटेल है वो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट से। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं फ्रंट के अंदर कुछ इस टाइप का जो है इसका लुक है। ये ऑलरेडी जो बलेनो है काफ़ी स्पोर्टी जो है लुक लगता था, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा बिकती थी। इसका इंजन रिफाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें अच्छी थी, बट इसके अंदर इन्होंने जो है थोड़ा और चेंज किया है, ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। देखिए ये जो लुक है थोड़ा सा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लाइनिंग ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इन्होंने जो है ये फ्रंट की ग्रिल जो है चेंज कर दी, पूरी यहाँ पे ब्लैक कर दिया, थोड़ा बड़ा इसका कर दिया, और यहाँ पे जो है ये क्रोम की जो है गार्निश इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। कुछ इस टाइप का इसका लुक है। और यहाँ पे जो है ये एक कैमरा जो फ्रंट फेसिंग दिया है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो काफ़ी बड़ा दिया है, और फ्रंट से कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। अगर मैं इसके DRL यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको ये तीनों के तीनों जो है आपको DRL है, इधर जो है आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, और इधर जो है आपको टर्न इंडिकेटर आपको दिए गए हैं। और इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको फॉग लैंप दिया गया है, और ये जो है टॉप मॉडल है अल्फा वेरिएंट, तो इसके अंदर फॉग लैंप मिल जाता है। इससे जो लोअर वेरिएंट आते हैं उसके अंदर इसके लिए हाउसिंग दी गई है, और इसके यहाँ पे जो ये क्रोम का जो डिज़ाइन दिया गया है काफ़ी अच्छा इसका लुक को इनहांस करता है। काफ़ी जो है इसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जिससे जो है इसका लुक बहुत ही अच्छा और प्रीमियम जो है फील कराता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इसके बोनेट के ऊपर, बोनेट पे आपको जो ये डिज़ाइन है एरोडायनामिक्स डिज़ाइन है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, आंधी सी आ रखी है, तो गाड़ी थोड़ी सी गंदी है। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसके अंदर देखिए आपको जो है ड्यूल टोन के अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसके अंदर आपको जो है 16 इंच के टायर मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल है 195/55 R16 का इसके अंदर टायर मिलते हैं। काफ़ी गुड लुकिंग जो है आपको इसके अंदर जो है टायर देखने को मिल जाएंगे। प्रोफाइल जो इसका जो अलॉय व्हील है वो बहुत ही शानदार लगता है। और अगर इधर बात करूँ मैं, थंडर के ऊपर आपको कोई टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता, टॉप मॉडल की यही पहचान होती है। इसके अंदर जो है आपको ORBM के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे जो है आपको 360 डिग्री का कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बाकी बात करूँ इसके अंदर देखिए कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही प्यारी लग रही है, ये जो क्रोम के अंदर जो लाइनिंग दी गई है ना, ये लाइनिंग यहाँ पे एंड में जाती है और कुछ इस टाइप से टर्न हो जाती है, जो इसके लुक को इनहांस करती है। और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा ग्लास एरिया और दे दिया, जिससे जो अंदर बैठे ऐसे घुटन सी महसूस नहीं होती। और अगर इसके एक चीज़ यहाँ पे देखिए, टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, साथ में क्रोम के हैंडल दिए गए हैं, और ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में दिए गए हैं, और यहाँ पे भी जो आपको जो क्रोम वो दिया गया हैंडल दिया गया, आगे जो आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे जो आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। और अगर मैं इसकी रियर प्रोफाइल से बात करूँ तो रियर प्रोफाइल का लुक है कुछ इस टाइप का, रियर प्रोफाइल का लुक है। ऊपर जो है आपको नॉर्मल एंटीना दिया गया है, या टॉप मॉडल के अंदर तो शार्क फिन एंटीना दे देते हैं, और इधर जो है आपको स्पॉइलर, बैकलाइट, डिफोगर, वाइपर कुछ इस टाइप से दिया गया है। और यहाँ पे जो है ये क्रोम के अंदर जो है ग्रिल दी गई है, काफ़ी इसका लुक इनहांस करती है। ग्रिल के जस्ट नीचे ही जो है आपको यहाँ पे जो है कैमरा दिया गया है, जो 360 का यूज होता है, एक कैमरा आगे है, एक कैमरा पीछे है, और दो कैमरा जो है दोनों साइड में ORBM के ऊपर जो है ग्रिल पे दिया गया है, ORBM पे जो कैमरा दिया गया है। और इधर जो है आपको सुजुकी का लोगो है, और ये जो बलेनो की बेजिंग है इसका भी जो डिज़ाइन है थोड़ा चेंज हुआ, इटैलिक टाइप का जो है इसका अंदर अच्छा अच्छा फॉन्ट्स जो है आपको दिया गया है, और इसके ऊपर कोई भी वेरिएंट का आपको ऑप्शन नहीं दिया गया। और अगर इसकी टेल लाइट की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको देखिए यहाँ पे जो है 4 ये बल्ब्स अंदर दिए गए हैं, LED लाइट्स दिए गए, पहले यहाँ पे जो है 5 आती थी अंदर, ये टर्न इंडिकेटर और ये जो लाइटिंग है यहाँ तक है, यहाँ पे जो है आपको LED लाइट्स दी गई, ये जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ शो के लिए है, दिखता है और कुछ नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, और पीछे जो है आपको पार्किंग सेंसर जो है दिख रहा है। तो कुछ इस टाइप से जो है रियर का आपको लुक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। और अगर मैं इसकी बूट की बात करूँ, बूट है यहाँ से आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर से आपको बूट ओपन होता है, और बूट है आपको जो पहले की बलेनो है उससे 10 लीटर कम है, लगभग 308 लीटर के आसपास जो है इसका बूट है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा चेंज आपको फील नहीं होगा बूट के अंदर, बट इसकी जो बूट लिप है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके लगभग 1 फुट के आसपास जो है बूट लिप है। और अगर मैं इसके टायर प्रोफाइल की बात करूँ, जो स्पेयर व्हील आता है लगभग मेरे हिसाब से 1 इंच छोटा है, हाँ ये 15 इंच का जो है आपको टायर मिल जाता है, जो मेन टायर है वो 16 इंच के। और इन्होंने एक ये चीज़ अच्छी दी है कि यहाँ पे ये जो है लॉक हो जा रहा है, मारुति वालों ने अच्छा काम किया। इधर जो है आपको बूट लैंप देखने को मिल जाता है, इधर जो है आपको सामान टांगने के लिए जगह मिल जाती है थोड़ी बहुत, और काफ़ी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, और अंदर से क्वालिटी पार्सल ट्रे अच्छी है। यहाँ पे जो है कवरिंग दी गई है पकड़ने के लिए, ये डोर हैंडल दिया गया है। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों इसका जो है
बाहर का लुक है, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए साइड प्रोफाइल है, कुछ इस टाइप से लगती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है साइड से, और बट थोड़ा थोड़ा और स्पोर्टी लुक इसके अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको इसको, इसके अंदर का इंटीरियर है वो दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। जैसे सुजुकी का लोगो है इधर, और इधर लॉक अनलॉक का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो की थोड़ी सी इनको सुधारना चाहिए था। की के अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, सेम छोटी सी की दे दी है। और कुछ इस टाइप का जो है इसका डोर का इंटीरियर है, यहाँ पे जो आपका हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, यहाँ पे जो है ये सॉफ्ट टच दिया गया है, लेदराइज है फिनिश दी गई है। इधर जो है आपको ये प्लास्टिक जो है ब्लू कलर के अंदर दिया गया है, ब्लू और ब्लैक का जो एक्सेंट है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो लाइट ब्लू दिया गया है इधर जो है आपको। और इधर जो है आपको चारों पावर विंडो के ऑप्शन है, ये जो है वन टच आपको डाउन का ऑप्शन है, इधर जो है ओआरवीएम कंट्रोल का ऑप्शन है, इधर जो है आपका क्रोम के अंदर जो है डोर हैंडल दिया गया है, और सीट है वो हाइट एडजस्टेबल के अंदर आपको सीट दी गई है। बाकी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर कुछ इस टाइप का जो है इसका इंटीरियर है, देखिए कुछ इस टाइप का है। ये सबसे पहले जो इसका जो चेंज नज़र आता है ना, वो ये स्टेयरिंग है। ये जो स्विफ्ट वाला जो स्टेयरिंग था ना, जो एरेना में जो स्टेयरिंग आते हैं, वो सारे वो स्टेयरिंग यहाँ पे दे दिया। डी कट के साथ जो है ये स्टेयरिंग आता है, इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा डिज़ाइन दे दिया। इधर जो है आपको मोड्स के ऑप्शन दे दिया, लो वॉल्यूम अप एंड डाउन के ऑप्शन दे दिए, और नीचे जो है आपको यहाँ पे जो है कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के ऑप्शन दे दिए, और इधर जो है आपको सुजुकी का लोगो दे दिया, इधर जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन दे दिए। और बाकी इसके अंदर बात करें तो इसके फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। इसका जो फिट एंड फिनिश है, सारा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया। ये जो डिज़ाइन दिया गया ना, ये एलिमेंट सिल्वर एलिमेंट काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसके अंदर। और इधर जो है ये आपको इसके अंदर इसके एस इवेंट्स के सराउंडिंग में ये दिए चीज़ दी गई है, तो इस हिसाब से। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सबसे मोस्ट हाईलाइटेड फीचर। सबसे पहला फीचर देखिए, आपको जो है यहाँ पे मेजर वो बदलाव देखने को मिलेंगे। इधर जो है आपको स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, इधर जो है आपको HUD हेडअप डिस्प्ले दिए गए, जो यहाँ पे ओपन होगी, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, ये जो है 360 व्यू का ऑप्शन है, ये जो है ऑटो स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन है। इसमें इसके अंदर जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं आती, बट इन्होंने जो ऑटो स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन इसके अंदर दे दिया। और ये जो है आपको इसके अंदर जो हेडलाइट का ऑप्शन दिया गया। अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं, तो कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इधर जो है आपको RPM मीटर मिल जाता है, इधर जो आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बट ये मारुति वालों ने ये साथ में दे रखा है। देखिए इससे जो आप इन्फॉर्मेशन चेंज जो कर सकते हो, देखिए इसके अंदर मोशन कितना है, पावर वगैरह क्या कुछ है, एक्सीलेटर वगैरह क्या कुछ है। अगर हम एक्सीलेटर वगैरह जगाएंगे तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाएगी। मैं एक बार इसको स्टार्ट कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। देखिए अब जो है गाड़ी स्टार्ट है, और अब मैं इसका दिखाता हूँ। देखिए मैंने ब्रेक प्रेस कर रखा है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस टाइप से जो है, ये देखिए ये टोक हो गया, ये ब्रेक का है, ये देखिए ब्रेक छोड़ दिया, ये चीज़ें हैं। एक्सीलेटर आप देख रहे हो, कुछ इस टाइप से जो इसका फीचर्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आपको इसका HUD का फंक्शन है वो दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी जो है गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, अब देखिए गाड़ी स्टार्ट होगी, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी ये HUD है जो है अपना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए और इसके अंदर जो है साइड स्क्रीन पे ये इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, जो इसके अंदर जो कितनी रेंज पे चल रही है, क्या टाइमिंग वगैरह है, क्या एवरेज वगैरह दे रही है। और इधर जो है अलेक्सा बोल रहा है, मैं एक बार फोकस कर लेता हूँ, देखिए साइड दिख रहा है। इसके अंदर क्या है, ये जो है इसका लोकेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ये जो बटन्स दिए गए हैं इनसे जो है आपको इसको जो है लोकेशन पोजीशन चेंज कर सकते हो, किधर जो है आपको रखना है इसको। और इसके बाद में जो ये बटन दिया गया है, इससे आप जो है इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये है इसका HUD का ऑप्शन। और ये जो है अब स्टार्टिंग में आपको ऐसा अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये सामने जो है दिख रहा है शीशे के ऊपर, बाद में धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे इसके। और काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फीचर है, और मारुति की तरफ से हाईलाइटेड फीचर है। और इसके बाद में जो है यहाँ पे एक और फीचर है, जो व्यू का 360 डिग्री व्यू का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये जो है आपको गाड़ी का 360 डिग्री व्यू दिखा देता है, इसको आप जो है ऐसे देख सकते हो। ये आपको देखिए 360 डिग्री व्यू पूरा दिखा देगा। इसके अंदर ये ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हो आप सेटिंग, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे जो है इसको आराम से आप जो है सराउंडिंग वगैरह चारों तरफ से ये दिखा देता है। और अब मैं इसका कैमरे का आउटपुट आपको एक बार रिवर्स करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो रिवर्स का आउट जो है कैमरे का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी क्वालिटी। इसके अंदर जो है आप यहाँ पे साइड से देख सकते हो पीछे कौन खड़ा है और खड़ा है, एक साइड में देखना है आप एक साइड में देख सकते हो, दोनों साइड में देखना है आप दोनों साइड में देख सकते हो, पूरा जो है गाड़ी का व्यू आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ इसका जो टच का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। एक बार अब मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ। और ये जो टच है ना इसका रिस्पॉन्स 10 इंच की जो है ये इसके अंदर स्मार्ट प्रो प्लस जो है इसकी टच दी गई है। मारुति वालों ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर। अलेक्सा नेक्सा टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, कनेक्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। और बाकी इसके अंदर जो है मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसके अंदर, जो मारुति को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसके अंदर सिस्टम सेटिंग वगैरह जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है और काफ़ी अच्छा जो इसका रिस्पॉन्स है ना वो देखने को मिलता है हमें। इसके अंदर अलेक्सा वगैरह से आप जो है कनेक्टिविटी कर सकते हो। और इसके अंदर जो है यहाँ पे भी जो है ऑटो डिमिंग IRVM का आपको ऑप्शंस मिल जाता है। और दूसरी चीज़ इधर मैंने आपको ये बताई दिया गियर नॉब मिलता है, इधर जो है आपको की रखने के लिए जगह मिलती है, इधर जो है आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, इधर जो है आपको सॉकेट 12 वोल्ट का पावर सॉकेट लगा सकते हो, इधर जो है आपको USB सॉकेट जो है आप लगा सकते हो। और इसके बाद में देखिए इधर जो है आपको ये AC के फैन के कंट्रोल है, काफ़ी मतलब ये भी काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में आते हैं। AC जो है फैन को कंट्रोल अप डाउन कर सकते हो, इससे जो है AC की डायरेक्शन वगैरह चेंज करते हो। और यहाँ पे जो AC ऑन ऑफ के बटन्स वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम पे भी ये जो टच वाले बटन मिलते हैं, मुझे पर्सनली टच वाले इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ये वही जो है नॉर्मल बटन्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको जो है इसके अंदर डिस्प्ले मिलती है, ये जो पैनल है पूरा चेंज हुआ है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। और इधर जो है मैं बताऊँ इसके अंदर ग्लोव बॉक्स तो सफिशियंट ग्लोव बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना काफ़ी शानदार है। ये देखिए ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है और इधर जो है ये लेदर के अंदर दिया गया है। और इधर अगर मैं बात करूँ तो इधर जो है आपको इसके अंदर वैनिटी मिरर प्लस लाइट्स दी गई है। और ये अभी भी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो सकता था। और ये देखिए इसके अंदर जो लाइट है LED लाइट्स नहीं दी गई है, इसके अंदर अभी भी हैलोजन है। टॉप मॉडल में तो एटलीस्ट LED दे देनी चाहिए थी। और इधर अगर मैं बात करूँ तो इधर भी आपको जो है वैनिटी मिरर के साथ साथ लाइटिंग भी है, काफ़ी अच्छा काम जो है मारुति ने किया है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, ये जो है आर्मरेस्ट है, ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया, बहुत बढ़िया काम किया है। और फिट एंड फिन और इसके अगर मैं कम्फर्ट की बात करूँ तो कम्फर्ट ठीक है, हालांकि इसके अंदर क्यूशनी वगैरह ज़्यादा है, कम्फर्ट पहले भी कोई शिकायत नहीं थी इसके बलेनो के साथ में, काफ़ी अच्छा इसका कम्फर्ट था, इंजन काफ़ी अच्छा था। और इसके अंदर जो है आपको हेडरेस्ट यहाँ पे जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और, इसके अंदर जो टॉप मॉडल है इसके अंदर आगे और पीछे दोनों साइड में लाइटिंग आपको जो है देखने को मिल जाती है, बट जो इनके जो लोअर वेरिएंट आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बैक साइड की जो है लाइटिंग आपको जो है देखने को मिलती है। तो ये था सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और स्पेस की बात करूँ तो स्पेस के अंदर मारुति बलेनो में पहले भी कोई शिकायत नहीं थी और अभी भी हालांकि मुझे ठीक लग रहा है। मैं पीछे का जो स्पेस है वो अभी दिखा दूंगा, लेग रूम वगैरह आगे का काफ़ी अच्छा है। मैंने मेरे हिसाब से जो है सीट एडजस्ट कर ली है और आई थिंक मैंने सारे फीचर्स कवर कर लिए। एक बार और मैं आपको जो है दिखा देता हूँ, इधर जो है HUD वगैरह का है, व्यू वगैरह का है, 360 कैमरा का वगैरह व्यू है कुछ इस टाइप से जो है। और इसके अंदर जो है 6 एयरबैग आते हैं जो कर्टन एयरबैग्स होते हैं, तो सीट कवर है आप इसका चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ भी जो है आपको ध्यान रखने वाली है। चलिए अब चलते हैं हम रियर सीट पे और वहाँ का जो है आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है रियर का। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इसके अंदर जो है 6 स्पीकर आते हैं, 4 स्पीकर आते हैं और 2 ट्विटर आते हैं। और इसका जो स्पीकर का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, अलग से है। इसके अंदर भी आपको जो है ड्यूल टोन के अंदर मिल जाता है। इधर जो ब्लू सॉफ्ट टच है ये जो है हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ये क्रोम के अंदर यूज़ किया गया है। और कुछ इस टाइप का जो है इसका पीछे का डिज़ाइन है, एक बार मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने जो है मेरे हिसाब से सीट है वो एडजस्ट कर रखी है, मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच के आसपास है और अच्छा खासा इसके अंदर नी रूम है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। पहले भी शिकायत नहीं थी, अब भी जो है इसकी शिकायत नहीं है। सीट कवर यहाँ पे जो आपको बुक होल्डर वगैरह नहीं दिया गया, इधर जो है आपको बुक होल्डर जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं और इसके अंदर ये स्लाइडिंग वाला मैंने बता ही दिया आपको, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है ये जो है 2 टाइप चार्जिंग केबल दी है, एक टाइप सी है एक टाइप ए है। और इधर जो है आप जो है थोड़ा फ़ोन वगैरह रख सकते हो। और स्पेस की बात करूँ तो मैं 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा। पीछे आपको जो है इसके अंदर कोई वो नहीं है, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया है। और ये जो है एडजस्टेबल जो है आपको ये मिल जाते हैं, हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके हेडरूम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो है हेडरूम है, आराम से कम्फर्टेबली बंदा जो है बैठ सकता है। और थाई सपोर्ट थोड़ा और अच्छा हो सकता था बट ठीक है,
बाकी ओवरऑल ठीक है, यहाँ पे हम ही। तो दोस्तों यही था, इसका इंटीरियर वगैरह मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, अब मैं आपको जो है इसका इंजन दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं, इंजन दिखाते हैं। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो ये देखिए इसका इंजन है, इतना साइलेंट है, मैंने इसके ऊपर हाथ रख रखा है, शायद आपको फील हो गाड़ी स्टार्ट है फिर भी इसके अंदर जो है कोई मेजर जो है वॉइस वगैरह नहीं आ रही है अनवांटेड। और अगर ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये है 1.2 लीटर का K12 का इंजन है, जो ड्यूल VVT इंजन के साथ आता है, जो 90 PS की पावर और 130 NM का जो है टॉर्क जनरेट करता है। और अगर इसकी एवरेज की बात करें, बलेनो का जो ऑलरेडी इंजन था वो काफ़ी एवरेज देता था, इसकी भी एवरेज है काफ़ी अच्छी है, जो है हमें एवरेज देखने को मिल सकती है। लगभग अगर बात करें तो 22-23 के आसपास जो है इसकी एवरेज आराम से जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी कंपनी क्या क्लेम करती है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो ये तो था इसका इंजन का। तो दोस्तों ये था मारुति सुजुकी की न्यू एज 2022 का फुल वॉकराउंड रिव्यू, सारे फीचर्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर कोई फीचर्स वगैरह छूट गया है तो मैं आपको नेक्स्ट में कवर कर दूंगा, आपको जो है हर जो वेरिएंट वाइज इसके अंदर जो है डिटेल मिल जाएगी, टेस्ट ड्राइव वगैरह भी आपको जो है देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा लगा ये भी जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।